हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो आज ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा काला काला सा, ये मैंने अभी साफ कर दिया, उसके बाद भी अभी इतना रह गया। ऊपर वाली छत तो इतनी गंदी हो रही थी ना, इतनी गंदी हो रही थी, वो जो मैं आपको बताती हूँ ना कि काई लग जाती है यहाँ पे, यहाँ के घरों में वो सीन हो गया था, पूरी काली हो गई थी। मैंने उसको ये वाला स्प्रे जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, पर मैं दोबारा दिखाऊंगी, ये मैंने किया है और उसको मैंने घिस, बाकी घर की खिड़कियाँ भी, ये पूरी वॉल और ये पूरी छत जो है ना, मैंने ये वॉल अभी तक नहीं हुई थी ख़राब, ये छत और ये वॉल थी, इसको पूरा मैंने क्लीन किया। मैं एक पिक्चर भी शेयर करूँगी, उस पर पूरी आप देख सकते हैं कि कितनी गंदी वाली काई लगी हुई थी, और उसको फिर मैंने साफ़ किया। इतनी मैं ज़्यादा थक गई, और यहाँ पे ये जूतों का रैक लगा होता है, इसके अंदर जूते होते हैं, तो सारे जूतों पे जो है ना काई लग गई, देख सकते हैं आप, फोकस भी नहीं हो रहा, ये आप देख सकते हैं कितने सारे जूते हैं। तो इनमें से जो जो गंदे जूते हैं वो वापस मैं धोने में डालूंगी और उनको धोऊंगी, और ये जो है ना सफाई करने के बाद काफ़ी साफ़ हो गया और थोड़ा सही लग रहा है। वरना जब भी हम घर के अंदर आते थे या बाहर जाते थे और नज़र पड़ती थी ना, ऐसा लगता था कि हम खंडर में रह रहे हैं, ये क्या हो गया हमारे साथ। तो बहुत ज़्यादा जो है ना घर के अंदर काई हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करें, बस यही स्प्रे एक सॉल्यूशन लगता है कि इसको करो और साफ़ हो जाए। तो जो है ना करते करते मेरी तो कमर ही टूट गई है, तो अब करते हैं जो जूते गंदे हैं उनको धोने में डालते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जूते पे ये इस तरह की काई, जूतों पे तो वाइट वाइट लगी, दीवारों पे बिल्कुल काली काली लग जाती है। और फिर डर यही लगता है कि बच्चे भी दूसरे शूज़ भी पहनते हैं, तो कहीं उस वजह से कहीं इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए, तो बार बार उसको साफ़ करनी पड़ती है, बार बार सारे जूते वॉश करने पड़ते हैं, तो ये हाल हो जाता है। खैर अब तो ये बालाज को शूज़ जो है छोटे हो गए, इनको मैं धो के अच्छी तरीके से क्लीन करके और फिर डोनेट करूँगी, क्योंकि बिल्कुल सही थी एप्पल हैं और ये इस तरह से गंदे हो जाते हैं। तो मैं देखूंगी, अगर ये धोने के बाद साफ़ नहीं हुए तो मैंने फेंक दूंगी, अगर ये बिल्कुल क्लीन हो गया तो मैं इनको तभी डोनेट करूंगी, वरना नहीं करूंगी। तो ये है अलीशा का नया शौक, कह रही थी कब से दिमाग खा रही थी कि हलाल पेपर नहीं ला के दो, और जब उसको यहाँ ला के दिए तो वो खा ही नहीं रही, एक दफ़ा खाई उसके बाद से उसने खा ही नहीं। आप इस और मम्मी इस पे कलर करेगी, नहीं भैया को देख लूंगा। क्रिसमस निकल चुका है और अलीशा को अब जो है ना वो स्नोफ्लेक्स बनाना याद आ रहे हैं, तो अलीशा ने इस वाले पेपर पे बहुत सारे डिजाइन बनाए थे, फिर मैंने उसको एक यूट्यूब से वीडियो देख के कट करके दे दिया, फिर अलीशा को मज़ा आया, फिर उसने दूसरा बनवाया, फिर मैंने ये बनाया, अलीशा को मज़ा नहीं आया, फिर अलीशा ने कहा और बनाने, फिर मैंने जो कहा कि आप मैं अपनी मर्ज़ी से बना के दूंगी, तो फिर मैंने अपनी मर्ज़ी से ये बनाया और ये मुझे सबसे बेस्ट लगा, फिर मैंने ये बनाया, फिर मैंने ये डिज़ाइंस बना के दिए कि आप कहीं भी यूज़ कर सकती हो, और अब अलीशा खुद से ट्राई कर रही है। और ये है तो ये बनाया है अलीशा ने, नहीं मैंने, नहीं मम्मी ने, नहीं अलीशा ने फोल्ड किया और अलीशा ने बताया कि कहाँ कहाँ उसको ट्राइंगल्स बनाने हैं। मैं बताती हूँ हमने कैसे इसको बनाया है, ठीक है, हम बताते भी हैं। पहले हमने इसको ऐसे फोल्ड कर लिया था ट्रायंगल कर करके, उसके बाद हमने एक ट्रायंगल यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया और एक यहाँ बनाया, फिर हमने जब उसको खोला है तो ये बन गया है ब्यूटीफुल, ये बहुत अच्छा बनाया। हाँ बोलना मैं, आपने, मैंने नहीं बनाई मी और आपने, आप एक और मेरी आईज दिखाओ मम्मा, अदर पेपर से मैं खुद ही करूँगी। आप देखें भाई मेरी बेटी कितनी अच्छी है, उसने सारा कचरा किया था ना, तो फिर खुद ही ने सब कुछ उठा के साइड में रखा है, एंड देन फिर झाड़ू लगाया है, और आप देख सकते हैं रूम मेरी बेटी ने साफ कर दिया है। इधर देखो
और फिर उसको अब गर्मी होने लगी तो पंखा खोल के खड़ी हो गई ठंड में। लेकिन हमारे घर में जो है ना जरा सा भी हीटर चलता है तो फिर गर्मी हो जाती है बहुत ज्यादा, तो हीटर बंद कर दिया था और अब उसको झाड़ू लगाने वहां पे रख दो तो गर्मी होने लग गई थी। और बालाज यहाँ है, कहाँ हो तुम बीच में पे, और मैं आराम से कैसे ओके जी। तो आप लोगों ने जैसा कि देखा कि मैंने अलीशा को कुछ पेपर पे डिज़ाइन बना के दिए थे, तो उसके बाद तो उसको मैंने कहा था कि डिज़ाइन जो है ना हम किसी भी चीज़ के लिए बना सकते हैं, किसी ग्लास पे हम चिपका सकते हैं और फिर उसके अंदर कैंडल जलाएंगे तो कैंडल होल्डर बन जाएगा। बस तब से उसने मेरा दिमाग खाया हुआ था कि ये इसको लगाओ लगाओ लगाओ। तो फिर मैंने जो है ना एक ये जैम बॉटल जो है ना खाली हुई थी तो मैंने उसके आसपास ग्लू लगा के उसको सेट कर दिया, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया और जो है ना फिर उसके अंदर एक कैंडल रख के जलाने लगी। लेकिन हुआ यूँ कि जो है ना रोशनी थी दिन की भी लाइट की भी, तो इस वजह से वो सही से दिखा नहीं, तो मैंने कहा कि अब रात में इसको करके देखेंगे और फिर वो भूल ही गई तो और मैं भी भूल गई उसके बाद करना। और फिर मैंने बनाया ये सैंडविच रात के खाने के लिए, क्योंकि खाने का बिल्कुल भी कुछ और मूड नहीं था, लाइट लाइट से खाना था, तो उसे मैंने सैंडविच बना लिए थे। ये देखो ये कैसे सो रहा है। सो रही है ना? अभी सोने वाला है, बिल्कुल सोने वाला हो गया। 7 बजे से जागा हुआ अब जगह सोने वाला है। और कैसे सोया?